इस ऐप का यूज करके आप एक प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल बना सकते हैं। अब देखिए, इस ऐप का यूज करके मैं खुद अपने लिए थंबनेल बनाता हूं। हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बोलता हूँ कि आप अपने थंबनेल पे फोकस कीजिए, आप अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाइए, क्लिकेबल बनाइए, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। और इसके लिए आप एक एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन है पिक्सेल ऐप, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है और बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। इस ऐप का यूज करके आप एक प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत किसी को लग रहा होगा कि मैं इस ऐप का प्रमोशन कर रहा हूं। इसमें कोई प्रमोशन करने वाली बात नहीं है। जो ऐप आपके लिए बेटर है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक। तो आप ये नहीं समझिएगा कि मैं किसी ऐप का प्रमोशन कर रहा हूं। अब देखिए, इस ऐप का यूज करके मैं खुद अपने लिए थंबनेल बनाता हूं। तो इस ऐप के साथ जो है, इस ऐप के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस एप्लीकेशन का यूज करके अपने लिए भी एक प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल बना सकते हैं। लेकिन देखिए, इस ऐप में आपको कुछ लिमिटेड फॉन्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको अपने थंबनेल को बेटर बनाने के लिए उसमें अलग अलग टाइप के फॉन्ट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस ऐप में आपको कुछ लिमिटेड फॉन्ट मिलेंगे, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। आप फॉन्ट को किसी दूसरे साइट से डाउनलोड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और लेकिन वो हम करेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आपको फॉन्ट को डाउनलोड करके इस ऐप में ऐड करना है। अब आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको ये हर स्टेप करके दिखाऊंगा अपने फ़ोन पे। तो चलिए चलते हैं फ़ोन पे और वहाँ पे हर एक स्टेप को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे और यहाँ से मैं आपको एक लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपल से इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आपके सामने देखिए, यहाँ पे फॉन्ट का एक वेबसाइट खुल जाएगा। देखिए आप, सिंपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप चाहें अपना मनपसंद का फॉन्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप इधर देखिए, डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे इधर साइड में देखिएगा तो हर फॉन्ट के सामने आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपल से इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो जो फॉन्ट आपको डाउनलोड करना है, देखिए ऊपर डाउनलोड होते जाएगा। यहां पे देखिएगा, सिंपल से जैसे मान लीजिए कि हमको ये डाउनलोड करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। सिंपली देखिए, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये वाला फॉन्ट अगर हमको डाउनलोड करना है तो ये जो साइड में डाउनलोड लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपल से आप जितना मन चाहे उतना फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी वन नंबर में चल रहा है, मतलब कि फर्स्ट वाला चल रहा है। टू पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर इधर दूसरे टाइप के फॉन्ट आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह आपको जिस टाइप का फॉन्ट चाहिए उस टाइप का फॉन्ट यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फाइल में जाना है, मतलब कि आपके फोन का जो फाइल है वहां पर जाकर आपको डाउनलोड में जाना है। कहां पे जाना है? डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाइएगा तो जो भी फॉन्ट आप डाउनलोड किए हैं उसका यहां पे जिप फाइल मिलेगा, ठीक है। अब जिप फाइल पे आपको यहां पे क्लिक करना है। सिंपल से आपको यहां पे जिप फाइल पे क्लिक करना है तो आपको इस टाइप का एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां से यहां पे जो डिलीट जिप फाइल लिख रहा है इस पे आपको क्लिक करके डन कर देना है। यहां पे नीचे आप देख रहे हैं, डन पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला फाइल जो है वो आपका जिप से एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इस फाइल को आप पिक्सेल ऐप में ऐड कर सकते हैं। पहले हमने जो जो फॉन्ट डाउनलोड किया है उन सभी को जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कि जीप फाइल से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे जो डिलीट जीप फाइल देख रहे हैं इस पे क्लिक करके डन कर देंगे। नीचे ये जो डन का ऑप्शन है क्लिक कर देंगे। उसी तरह जितने हमारे पास जो भी फॉन्ट हमने डाउनलोड किया है वही प्रोसेस आपको करना है। एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट जीप फाइल पे आपको क्लिक करके और डन पे क्लिक करते जाना है। फिर देखिए नीचे एक बच गया, तो फिर हम एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जो डिलीट जीप फाइल है इस पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे तो जो जो हमारे पास फॉन्ट था ये देखिए सब कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे हम अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में। यहां पे आप देख सकते हैं मेरा पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन है, इसमें जाएंगे और क्या करेंगे, इधर से जैसे मैं इसको ओके कर देता हूं। देखिए मैं एक बहुत प्यारा सा थंबनेल पहले से बनाकर रखा हूं। जैसे मान लीजिए कि इसमें अब हमको क्या करना है, कोई फॉन्ट ऐड करना है, तो सबसे पहले देखिए इधर टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे।
पहले इस ए पे आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको इधर प्लस का आइकन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं सब्सक्राइब, क्या लिखते हैं सब्सक्राइब, ठीक सब्सक्राइब लिख दिए, ठीक ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो उसके लिए इधर आपको देखिए फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए इधर इधर आपको माय फॉन्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, माय फॉन्ट्स पे क्लिक करके और यहाँ से आप अपने सभी फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा है या सिंपल आप अपने फाइल में रखे हुए हैं तो इस फाइल पे आपको क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक कीजिएगा, नीचे डाउनलोड में आप इसको रखे थे तो डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए ये सभी फॉन्ट मिल जाएंगे जो आपने कन्वर्ट किए थे। मैंने पहले से भी बहुत रखा हुआ है और इसमें बहुत सारा मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है। तो चलिए हम किसी एक को ऐड करते हैं, तो जिसको भी आपको ऐड करना है उस वाले मतलब कि आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, किसी पे आप क्लिक कीजिए। चलिए क्लिक करके देख लेते हैं, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये नीचे वाला जो है इस पे मैं क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए ऐड डिक्शनरी का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे यहां पे देखिए ऐड डिक्शनरी। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे और ये वाला फॉन्ट देखिए यहां पे डाउनलोड हो गया, मतलब कि इसमें ऐड हो गया जो हमने डाउनलोड किया था। तो सिंपली आप भी अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में इस टाइप का फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इस फॉन्ट का मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूं, तो इसको यूज करने के लिए सिंपल से आप इस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे देखिए नीचे आपको ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए सब्सक्राइब जो हमने पहले सिंपल लिखा था वो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने पिक्सेल ऐप ऐप में फॉन्ट ऐड करना सीख गए होंगे, बट फिर भी आपको कहीं भी किसी भी स्टेप को समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बोलिएगा, हम उसको किसी दूसरे वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करेंगे। वैसे आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा ही यूजफुल कंटेंट हमेशा लाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।